गुड मॉर्निंग दोस्तों, इट्स 8 o'clock बाय द वॉच एंड आई जस्ट वोक अप. काफ़ी लेट उठा हूँ आजकल मैं, बट इट्स ओके. आई नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड. तो ठीक है, चलो अभी उठे हैं तो फ्रेश फ्रेश होकर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. इन बिटवीन ऑफ द क्लीनिंग प्रोसेस आई वॉज इन, आई गॉट अ कॉल एंड विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड. तो थोड़ा टाइम लगा उस चीज़ को करने में, बाकी हमारी क्लीनिंग प्रोसेस अभी बाकी है. सो वी विल बी डूइंग दैट. And then we'll be getting a tea and then we'll do our the Hindu newspaper for the day. It's too late for now, but yes, we have to do it. It's 11:35 now and I have done the Hindu newspaper. So this is almost covered. So अभी जाके लंच करना है. थोड़ा सा कुछ काम है घर में, नीचे टाइल्स अभी कुछ और टाइल्स चाहिए उनको, तो वो अरेंज करके देनी है. वैसे कि आज वेडनेसडे है तो मार्केट शायद बंद रहेगा, तो देखना है कैसे अरेंज हो पाएगा. दोज थिंग्स हैव टू बी सीन. और उसके बाद फिर वापस आके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट था टेम्पल आर्किटेक्चर. सो टेम्पल आर्किटेक्चर हमारा बचा हुआ है, वहाँ से एक बार वो खत्म हो जाएगा तो एंशियंट हिस्ट्री अलॉन्ग विद द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द एंशियंट, वो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इस मंथ के लिए. सो दिस विल बी द अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 40% मेरा काम पूरा हो जाएगा. तो सही है, आई एम गोइंग ऑन द सेम ग्रेट पेस, क्योंकि मंथली ऐसे टारगेट रखते तो सही काम चलता है. चलो लेट्स सी. It's around 1:30 now and we are starting with the art and culture book. तो जो मेरे बचे हुए चैप्टर्स हैं मेरे को वो कवर करने इसमें से, और अभी 1.5-2 घंटे लगा के मेरे को एक तब तक ख़त्म ना हो जाए. तो मेरे को लगता है कि अच्छा कंटिन्यूस में ख़त्म ही कर देना चाहिए, बेटर है, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर पता है बच्चा है. उसके बाद उसमें एंशियंट में सिर्फ मेरा टेम्पल आर्किटेक्चर बताया, उसके बाद फिर सिर्फ मेडिवल स्टार्ट हो जाएगा. सो आई विल बी कवरिंग दिस 30 pages नाउ इन द आफ्टरनून. इट्स 4:08 नाउ और मेरा काफ़ी हद तक मैंने ये टेम्पल आर्किटेक्चर का पढ़ लिया है. नाउ आई विल बी गोइंग टू मेक नोट्स फॉर देम. तो नोट्स मेकिंग करते हैं ताकि मतलब एक डबल रिविजन हो जाता है, एक बार मैंने गो थ्रू कर लिया, पढ़ाई कर ली थोड़ा सा, तो पढ़ने के बाद उसी चीज़ को जब तुम अपने हाथ से लिखते हो फिर अगर नहीं याद आ रहा तो बाकी तुम दोबारा बुक को देख लो, तो वही मैं आगे करूँगा. एंड विल बी मेकिंग द नोट्स नाउ. वो 40 नाउ और पढ़ते पढ़ते मेरे को थोड़ी सी भूख लगी, तो सोचा क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आया तो क्या क्या सब्जी रखी थी सुबह की, सब्जी लेके आ गए अपनी. Almost 6:15 now and I just have to go to the market for some work. और अभी इसको यहीं पे रोकते हैं पढ़ाई को भी. Then I'll come back and I'll start again. हेलो दोस्तों, इट्स अराउंड 9:30 नाउ एंड आई एम बैक फ्रॉम द वर्क. मार्केट जाना था, उसके बाद कुछ थोड़े बहुत काम और थे, एंड देन बिकॉज इट वॉज अ टाइम टू गेट द डिनर डन, सो आई गॉट माई डिनर डन. और अब 9:30 बज गए हैं, तो अभी आई एम बैक ऑन माई चेयर फॉर फर्दर स्टडीज़. अभी तकरीबन 1 घंटा या आधा 1 घंटा के तकरीबन पढ़ेंगे, उसके बाद देन विल बी स्लीपिंग टाइम फॉर अस. सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर नेक्स्ट 1 आवर एज वेल. इट्स ऑलमोस्ट 10:30 नाउ एंड आई हैव कवर्ड माई आर्ट एंड कल्चर फॉर एंशियंट इंडियन पार्ट. तो इस बुक से मेरे को जो पढ़ना था मेरा वो हो चुका है. आफ्टर दिस वी विल बी गोइंग फॉर मेडिवल इंडियन, देन उसके पहले मतलब मेडिवल इंडिया हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर उसके बाद उसका आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे एंड देन फॉर द मॉडर्न इंडिया. तो पहले 14 दिन, जो कि आज 13 दिन हो गए, कल 14 दिन है. तो वट आई विल बी डूइंग टुमारो इज आई विल बी टेकिंग 2 टेस्ट ऑफ माइंड, एक सुबह न्यूज़पेपर के बाद और फिर दूसरा शाम को. तो अब क्या करना है कि क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं, तो मुझे क्या लगता है, फर्स्ट थिंग इज़ कि पढ़ो, सेकंड थिंग इज़ कि आई टेक माय ओन टेस्ट, ताकि मेरे को पता चल जाए कि पढ़ने की रिटेंशन पावर कितनी है मेरी, मेरे को मतलब आज ही इन 14 दिन में मैंने कुछ पढ़ा है तो वो कितना मेरे को याद रहा है. सो आई विल बी टेकिंग माय टेस्ट. 2 टेक्स्ट फ्रॉम भगवद्गीता आई जस्ट नाउ रेड, बट उनका पर्पट और उनकी व्याख्या जो है वो सेम ही थी जो कि हमने कल पढ़े थे.
So I'll be taking those two texts tomorrow, text number 12 and text number 13 from the chapter number 2. तो पढ़ चुका हूँ मैं, बट वो कल करेंगे क्योंकि सेम मीनिंग उसका सेम सही लग रहा है. मैं कोई पहले बात कर चुका हूँ उस बारे में. फॉर नाउ इट इज़ अ गुड नाइट फ्रॉम माई साइड, और कल मिलते हैं सुबह. कीप ब्लेसिंग मी एंड कीप रीडिंग, बी सेफ एट होम, बिकॉज आई रेड इन दिस न्यूज़ पेपर टूडे दैट अक्टूबर, नवम्बर एंड दिसंबर मे बी द थर्ड वेव कैन कम दिस वे, बिकॉज दिवाली आएगी, पटाखे छुटाए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस रिट्रीटिंग मानसून में हो सकती हैं, या फिर कोई रीजंस बहुत सारे थे उसमें. तो पॉसिबली थर्ड वेव आ सकती है. सो बी सेफ, स्टे एट होम, जब तक कि काम ना पड़े बाहर ना निकलो.